फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आपके अपने इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है। एक बार फिर से स्टेशन एंड प्लेसेस में आज फिर से आपके लिए डीएफसी का वीडियो लेकर आया हूं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, जो कि अलीगढ़ से पहले का बनाया हुआ है। और ये जो वीडियो भेजा है, ये वीडियो भेजा है आरिफ भाई ने, जो कि लखनऊ के रहने वाले हैं। शुक्रिया आरिफ भाई, जो आपने इतनी मेहनत की हमारे लिए और हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स को। आपके जरिए डीएफसी का फिर से अपडेट मिल रहा है। ये ट्रेन के अंदर का व्यू है, आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि जब मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। फ्रेंड्स, देख सकते हैं, देखिए जो मेनू है, खाना जो मिलता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिछले महीने भी कुछ इस तरह से ही मेनू मिला हुआ था, लेकिन वो डिटेल से नहीं था। आज इसमें देखिए चावल, रायता, दही, पनीर सब कुछ है, और कैटरिंग चार्जेस अलग से होता है तेजस एक्सप्रेस में। तो आपने देखा मेनू में ये चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, काफी अच्छा खाना है। पिछली बार भी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया था, तो उसमें मैं आपको मेनू नहीं दिखाया पाया था कि क्या खाने को मिलता है, लेकिन मैंने आपको स्नैक्स जो मिले थे उसके बारे में दिखाया था। चलिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम आपको और भी चीजें कुछ दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टॉयलेट है, काफी नीट एंड क्लीन इस तरह से टॉयलेट बनाया गया है, क्योंकि अंदर का कंस्ट्रक्शन है जो मैंने वो आपको पिछली बार नहीं दिखाया था। कुछ पर्दे वगैरह पिछली बार दिखाए हुए थे और लाइट्स वगैरह दिखाई हुई थी, तो इस तरह से ये टॉयलेट बना हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, अब आपको थोड़ा सा सीट्स वाला दिखाते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट किस तरह से। देखिए सीटें लगी हुई हैं, हालांकि ये चीजें आप लोग कई बार देख चुके हैं। थोड़ा सा आपको हम डाइनिंग टेबल के बारे में भी दिखाते हैं, जो बीचों बीच में सेंटर में लगी हुई है। हर कोई चाहता है कि हमें ये डाइनिंग टेबल वाली सीट मिले, क्योंकि काफी आरामदायक और काफी स्पेस है, और आराम से बैठने के लिए, साथ में सामान रखने के लिए भी। तो थोड़ा सा इधर से भी नजारा देखिएगा फ्रेंड्स, तो काफी कुछ अच्छा है, बैठने के अच्छा इंतजाम किया गया है, और शताब्दी एसी चेयर कार में भी ऐसा ही होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं डीएफसी कॉरिडोर ट्रैक पर। फ्रेंड्स, हम ईस्टर्न कॉरिडोर की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जो चल रहे हैं वो ईस्टर्न कॉरिडोर का हम व्यू आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ईस्टर्न कॉरिडोर लगभग 1800 किलोमीटर लंबा है, लुधियाना से दानाकुनी के बीच में, जो आया दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, मुगलसराय, सोननगर होते हुए दानाकुनी तक जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिल्ली से मुगलसराय के बीच में एनसीआर का रूट है, वो काफी व्यस्त है, काफी व्यस्तम रूट है, क्योंकि बहुत ढेर सारी मालगाड़ी और साथ में ट्रेनों का ट्रैफिक है। तो अगर ट्रेन टाइम से भी चलना चाहे तो नहीं चल पाती हैं, इतना हैवी ट्रैफिक है, और आते या जाते समय वो लेट हो ही जाती हैं। अगर हम शताब्दी, राजधानी और दुरंतों को या कुछ सुपरफास्ट ट्रेनों को छोड़ दें, तो बाकी ट्रेनें लगभग लेट ही चलती हैं, ज्यादातर ऐसा देखा गया है इस रूट पर। काफी व्यस्त रूट है, दिल्ली हावड़ा रूट जिसे भी कहते हैं। और जहाँ का ये मैं सीन आपको दिखा रहा हूँ, ये भादान से खुर्जा के बीच में है, 194 किलोमीटर के बीच का, और ये जो सेक्शन है ये पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, और इस पर मालगाड़ियां भी चल रही हैं। तो इस पर ये बेनिफिट हुआ कि इस पर जब मालगाड़ियां दौड़ाई गई, तो जो मालगाड़ियों का ट्रैफिक था वो हट के एक तरह से फ्रेट कॉरिडोर पे आ गया, जो एक गलियारा है बनाया गया है ट्रैक, और जो ट्रेनों की टाइमिंग थी वो काफी हद तक सुधर गई। तो जो ट्रेनें लेट हुआ करती थी वो अपने निर्धारित समय से चलने लगी, साथ में यात्रियों की जो समय है वो भी बचने लगा, और अपने गंतव्य पर आसानी से समय पर पहुंचने लगे। हमने आपको पिछले वीडियो में, जो हमने 3-4 महीने पहले डाला था, उसमें भी हमने आपको दिखाया था, थोड़ा सा वेस्टर्न और ईस्टर्न कॉरिडोर दोनों के बारे में बताया था। थोड़ा सा वेस्टर्न कॉरिडोर के बारे में मैं आपको तब बताऊंगा जब कभी अगर मैं उधर कभी ट्रेवल किया उस रूट पर, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वेस्टर्न कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक है, उसके बारे में अलग से जानकारी दूंगा। फिलहाल वेस्टर्न कॉरिडोर में रेवाड़ी से मदार के बीच में जो सेक्शन है वो, उस पर ट्रायल के तौर पर मालगाड़ियां चलाई जा रही हैं और उस पर दौड़ भी रही हैं, तो वो वेस्टर्न कॉरिडोर है, और काफी लंबा वो भी कॉरिडोर बनाया गया है। तो काफी महत्वपूर्ण ये कॉरिडोर है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर, तो गेम चेंजर है एक तरह से रेलवे के लिए। ये जो डीएफसी का ट्रैक बनाया गया है, किनारे आप देख सकते हैं, तो इसमें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी यूज की गई है, और जो ट्रैक स्ट्रक्चर है वो नॉर्मली वैसे 22 टन एक्सेल लोड का बनाया जाता है,
लेकिन जो डीएफसी का बनाया गया है वो 25 टन एक्सल लोड पर बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस रोड पर जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1300 टन के करीब में एक मालगाड़ी पूरी 1300 टन का माल ले जा सकेगी, यानी कि एक ट्रक में 1 टन का यानी कि 1000 किलो का माल अगर भरा जाता है तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 1300 ट्रक के बराबर इस रूट पर चलने वाली मालगाड़ियां लोड यानी कि माल को ढोया करेंगी। एक ट्रैक को बनाने में जो मशीन यूज की गई है उसका नाम न्यू ट्रैक कंस्ट्रक्शन मशीन है, जिसकी कीमत लगभग 50 करोड़ के करीब में है। और ये मशीन डेली लगभग 1.5 किलोमीटर का ट्रैक तैयार कर देती है, तो काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इस ट्रैक को बनाने में। और इस वजह से इसमें मेंटेनेंस की लागत भी बहुत कम आएगी और काफी चीजों का इसमें ध्यान भी रखा जा रहा है। आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, जैसे कि ईस्टर्न और वेस्टर्न कॉरिडोर है जिसमें से लगभग 2000 किलोमीटर का जो सेक्शन है वो लगभग डबल लाइन का है। और उम्मीद यही की जा रही है कि ये जो वित्तीय वर्ष है यानी कि मार्च 31, 2020, ये पूरा कर लिया जाएगा। और इसके अलावा जो 3 नए और कॉरिडोर भी हैं जो मुंबई, चेन्नई, नागपुर को जोड़ेंगे, जो मुंबई चेन्नई नागपुर को जोड़ेंगे, तो वो भी अभी बनाया जाना प्रस्तावित है। और उस पर कब तक काम शुरू होगा इस बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। आने वाले समय में अभी जो हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर हैं, सीमेंट हैं और जो धीरे जो छोटे मोटे लाइट गुड्स हैं, तो उनका जो अभी फ्रेट के लिए जो इस्तेमाल किया जा रहा है जो साधन वो ट्रक वगैरह हैं या डनलप वगैरह हैं, जो रोड के सहारे रोड के रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आने वाले समय में सीमेंट, ऑटोमोबाइल और लाइट गुड्स के लिए भी ये फ्रेट कॉरिडोर यूज किया जाएगा। तो एक तरह से जो ऑटोमोबाइल का या सीमेंट का या लाइट गुड्स का कारोबार करते हैं उनके लिए सहूलियत हो जाएगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल पहुंचाना। साथ में रोड पर से जो ट्रकों का ट्रैफिक है वो भी कम हो जाया करेगा, लेकिन एक तरह से थोड़ा बहुत जो ट्रक के मालिक होंगे उनकी आमदनी पर असर पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, ये था एक छोटी सी जानकारी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया था, आप लोगों ने पसंद किया था, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार मौका मिलेगा तो फिर आपके लिए नया वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।